ज्योतिषाचार्य जी, हमारे जीवन में वास्तुशास्त्र का काफ़ी खास महत्व होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार एलोवेरा जेल घर के किस दिशा में लगाना बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और उससे क्या हानि हो सकती है? जय बाबा विद्यनाथ। एलोवेरा जो है वह एक औषधि है। आप अपने बाग बगीचा में एलोवेरा लगा सकते हैं, लेकिन यदि घर में लगाते हैं एलोवेरा का पौधा, तो एलोवेरा जो है वह एक प्रकार का कांटा है। तो एलोवेरा का पौधा अपने घर के पूर्व दिशा में कदापि न लगाएं, क्योंकि आपके घर में पूर्व दिशा से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करता है घर में, और यदि उस जगह पर आप कांटेदार पौधे लगाते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करना प्रारंभ हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा की कमी हो जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगा। इसलिए वास्तुशास्त्र में पेड़ पौधे भी लगाना जगह पर अति आवश्यक होता है। जैसे कि कोई कोई गमला में लगा देता है, फूटा हुआ गमला है, अपना बेडरूम में रखा हुआ है, तो एलोवेरा का पौधा जो है सबसे पहले तो टूटा गमला में होना नहीं चाहिए। यदि गमला टूट गया है तो गमला बदल दीजिए, और बेडरूम में तो कदापि ना लगाएं, क्योंकि जब आप सो के उठते हैं तो सबसे पहले नज़र उसी पर जाता है। औषधि तो है लेकिन कांटेदार है। भगवान तो मंगल करते हैं लेकिन अशुभ समय में मंगल नहीं करते हैं। इसलिए इस हिसाब से एलोवेरा का पौधा न बेडरूम में लगाएं, न ही घर के पूरब तरफ लगाएं, या आप सुबह उठ करके जो निकलते हैं जिस जगह पर, उस जगह भी एलोवेरा का पौधा नहीं होना चाहिए।